नमस्कार, सोशलाइट इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। तोरण के नए नए डिजाइन के लिए आप हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज के तोरण के लिए हमने मरून कलर और सफेद कलर, दो कलर का ऊन हमने यूज किया है। चार नंबर की मोती हमने ली है, व्हाइट कलर देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं फिर वीडियो की। 19 चैन हमने पहले किया है, मैरून कलर का ऊन हमने पट्टा बनाया है। 19 चैन करके हमने 17 डबल क्रोशे बना लिया है एक लाइन। इसके ऊपर हम 4 डबल क्रोशे कर लेंगे। एक चैन लेंगे, एक क्रोशे छोड़ के दूसरे में एक डबल क्रोशे, एक चैन एक छोड़ेंगे दूसरे में एक डबल क्रोशे, फिर एक चैन लेंगे एक छोड़ेंगे। इस तरह से हमें 4 बनानी है, एक एक छोड़ के 4 हमने बनाए हैं यहाँ पर देख सकते हैं। फिर किनारे हमें एक छोड़ के 4 डबल क्रोशे बनाने हैं। इस तरह से पट्टे हम बना लेंगे। एक चैन, एक क्रोशे, एक चैन, एक क्रोशे देख सकते हैं इस तरह से। चार लाइन क्रोशे की गई है एक एक चैन छोड़ के। दोनों तरफ किनारे हमने 4 बनाए हैं। इस तरह से पट्टे बना ले तोरण के। जितना लंबा आपको चाहिए उतनी लंबी पट्टी बना ले। हमने इस तरह से पट्टा बना लिया है। इसका बॉर्डर हमको बनानी है, तो व्हाइट कलर में हम इसे इसका बॉर्डर बना लेंगे। डबल हाफ क्रोशे हम बना लेंगे 2, एक चैन, उसी में वापस हमें डबल हाफ क्रोशे। एक बॉक्स मैंने एक क्रोशे छोड़ा है इस तरह से। यहाँ पर हमें चैन नहीं लेना है देख सकते हैं। चौड़ा वाले हिस्से में मैं बता रही हूँ आपको पहले बनाना, जहां से हमने शुरुआत किया था। 2-2 क्रोशे छोड़ेंगे और 2-2 डबल हाफ क्रोशे हम बनाएंगे। यहाँ पर लास्ट में 4 आ रहा है तो 3 छोड़ेंगे हम इस तरह से। एक मिलेंगे, एक यहाँ पर चैन लेंगे, फिर उसी में हमें 2 और लेनी है इस तरह से। ये साइड का हम बना लेंगे। दूसरी तरफ एक चैन लेना है, पहले बॉक्स में 2 हाफ डबल क्रोशे, एक चैन, 2 हाफ डबल क्रोशे। इस तरह से हम बॉर्डर बना लेनी है देख सकते हैं। इस तरह से मैरून कलर के धागे में ऊन में
मोतिया पिरोली। मैंने आपको एक बार एक वीडियो में पिछले वीडियो में ट्रिक बताई थी मोती और डालने की, किस तरह से मोती उनमें फिरो सकते हैं। तो इस तरह से मोतिया फिरोली पट्टी के सीधे तरफ से शुरुआत करेंगे। ये देखिए, एक मैंने छोड़ा है यहाँ से, इस तरह से शुरुआत करेंगे। चार डबल क्रोशे बनाएंगे हम, चार, दो बॉक्स हमने छोड़ा है यहाँ पर बॉर्डर का वाइट कलर, दो बॉक्स छोड़ेंगे फिर चार डबल क्रोशे बनाएंगे। इस तरह से दो छोड़ेंगे, चार डबल क्रोशे, दो छोड़ेंगे। इस तरह से हमें सात बॉक्स बनानी है इसी तरीके से। सात पार्ट हमने बना लिया है। देखें यहाँ पर हमें मोती बल लगानी है, तो चार मोती हम इस तरह से आगे लाएंगे। छः सात हमने यहाँ पर चैन किया है, सात चैन पहले कर लेंगे हम। इस तरह से मोती आगे लाएंगे, चार जोड़ देंगे यहाँ पर, यहाँ पर फिर सात चैन करनी है। तीन बॉक्स हम छोड़ेंगे, इसके बाद फिर बनाना चालू करेंगे हम जिस तरह से हमने बनाया है। चार डबल क्रोशे देख सकते हैं, इस तरह से ये डिजाइन बनेगी। सात सात हमने चैन लिया दोनों तरफ, तीन बॉक्स छोड़ा है, फिर ये पूरा लाइन हम इस तरह से बना लेंगे। पांच फिर हम सात बॉक्स इस तरह से चार चार डबल क्रोशे का बना लेंगे यहाँ पर। इसी तरह से यही लाइन पूरी पट्टे में हम बना लेंगे लास्ट तक। ये देखें, इस तरह से हमने एक लाइन बना लिया है पूरे पट्टे में। दूसरी तरफ दूसरे लाइन में एक कम करेंगे हम, इसके लिए स्लिप चैन लेंगे। इस तरह से फिर इसमें हम चार क्रोशे बनाएंगे। ये चैन हमने ऐड किया इसमें, तो तीन और बनाना है हमें। इस तरह से हम एक कम करते जाएंगे हर लाइन में, चार चार क्रोशे बनाने हैं। नीचे की लाइन में सात हमने बनाया है बॉक्स, ऊपर छह बनेंगे।
देखिए दूसरे लाइन में हमने 6 बनाया है, नीचे 7 है, एक हमने कम किया, यहाँ पर 6 आएंगे। चैन हम यहाँ किनारे में 7 ही चैन लेंगे, 7 चैन लेंगे। फिर यहाँ 4 मोती बांध दें इस तरह। यहाँ से हमें 5 चैन लेनी है। शुरुआत में हमने 7 चैन लिया था दूसरे लाइन में, पहले लाइन में हमने दोनों तरफ 7 7 ही चैन लिया, शुरुआत दूसरे लाइन में शुरुआत में 7 चैन लिया, फिर मोती लगाने के बाद हमने 5 लिया है। फिर पहले लाइन के जो मोती है बीच में हम इस तरह से सिंगल क्रोशी कर लेंगे, इस तरीके से देख सकते हैं। फिर यहाँ पर 5 चैन लेनी है, फिर यहाँ मोती लेंगे 4, इसे बांध दें इस तरह, 7 चैन, 7 चैन लेके फिर एक कम करने के बाद यहाँ पर हम इस तरह से ये डिजाइन पूरी लाइन हम बना लेंगे। एक लाइन देख सकते हैं, पहले में 1 आए हैं, दूसरे में 2, और एक एक कम करते जाएंगे दोनों तरफ। इस तरह से हमने दूसरी लाइन इस तरीके से बनाया है, देख सकते हैं। तीसरे लाइन में हमें 5 करनी है, 6 आए हैं दूसरे में, तीसरे में 5 आएंगे। चार चार क्रोशी बना लेंगे इस तरह। किनारे हमने दोनों तरफ से 7-7 चैन लिया है, बीच में हम 5-5 चैन ही लेंगे हर लाइन में। एक दो तीन चार 5 मोती जो हमने बनाई है बीच में इस तरह से लेंगे सिंगल क्रोशी। फिर यहाँ 5 चैन, दूसरी मोती की तरफ सिंगल क्रोशी से जोड़ देंगे। देख सकते हैं आप इस तरह से डिजाइन बनेगी। किनारे 7-7 चैन हमने लिया है, यहाँ पर एक एक हम कम करते जाएंगे, देख सकते हैं।
इस तरह से डिजाइन बनेगी। ये देखें, ये हमारे डिजाइन जो है बढ़ते जाएंगे, यहाँ से हम एक एक कम करते जाएंगे और यहाँ से डिजाइन ये बढ़ती जाएगी। एक पहले लाइन में भी, एक दूसरे लाइन में दो, और तीसरे लाइन में तीन, इस तरह से बनाते जाएंगे एक आने तक। ये देखें, एक आने तक हमने हर लाइन में बनाया है, इस तरह से देख सकते हैं डिजाइन इसके। दूसरे में दो, तीसरे में तीन, चौथे लाइन में चार, पांचवे लाइन में पांच, छठे लाइन में छः, लास्ट सातवें लाइन में सात, डिजाइन सात आई है। इसे हम ऐसे ही रखेंगे और यहाँ पर हमें लरी लगानी है, तो लरी के लिए हमने मैरून कलर का ऊन लिया है। इस तरह से थोड़ा लंबा उंगलियों को फैला के लंबा ले ले। तीस फेरा तक हम ले लेंगे, थोड़ा हमें घना लेना है। इस तरह से हमने 30 या और घना आपको चाहिए तो आप 40 फेरा ले सकते हैं। इस तरह से हमने इसे निकाल लिया है। अलग से एक लंबा धागा ले लेंगे, इसे हम इस तरह से बांध देंगे बीच में। डबल गांठ लगा ले, इसे भी दो बार गांठ लगा ले। इसे हमने, इसमें हमने मोती डाला है, यहाँ पर हम सात मोती डाल देंगे। हमने यहाँ पर सात मोती लिया है, सात मोती फिरो लेंगे। आप सुई के सहायता से भी कर सकते हैं। इस तरह से हमने सात मोती डाल लिया। इस तरह से झालर बना ले, ये देखिए। यहाँ पर हम इसे बांध देंगे और हम यहाँ भी चाहे तो 10 मोती लेके यहाँ पर थोड़ा लंबा बना सकते हैं। चार क्रोशी जो हमने लिया है इसके बीच में, यहाँ पर गांठ लगा ले। इस तरह से देखें, इस तरह से लरिया आप बना सकते हैं। यहाँ हमारे वीडियो डिजाइन आपको पसंद आए तो आप वीडियो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।